दिवस समारोह ऐतिहासिक नेताजी सुभाष स्टेडियम में पारंपरिक आन बान और शान के साथ संपन्न हुआ। कड़ाके की सर्दी होने के बावजूद भी भारी संख्या में स्कूली बच्चे एवं अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। अररिया के सुभाष स्टेडियम में जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा के द्वारा झंडा तोलन किया गया। 70वीं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा नगर परिषद प्रांगण में झंडा तोलन किया गया, जहां जिला प्रशासन की ओर से डीएम एसपी जिला परिषद अध्यक्ष डीडीसी अनुमंडल पदाधिकारी डीआरडीए निदेशक परिवहन पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही जिला परिषद कार्यालय नगर थाना एवं महिला थाना झंडा तोलन कार्यक्रम में सभी नगर पार्षद गण सम्मिलित हुए तथा अररिया के किड्स केयर किर्ची स्कूल और गर्ल्स स्कूल सहित अन्य स्कूलों में भी झंडा तोलन किया गया। इस अवसर पर कई स्कूलों में छात्र छात्राओं के द्वारा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण कार्य था
वह था देश को एक सूत्र में पिरोकर विविधताओं को एकजुटता में बांधकर देश को एक करना। उसमें हमारे देश के निर्माताओं ने बहुत परिश्रम किया। 500 से अधिक रियासतें देश में थी, उनको सभी को मिलाकर के एक अखंड राष्ट्र का सपना देखा और 3 साल के अंदर राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। साथ ही साथ देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए भी महत्वपूर्ण और आवश्यक था कि एक संविधान का निर्माण हो जो देश का सर्वोच्च कानून बने और उसके अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और एक व्यवस्था प्रदान की जा सके। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और वो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। सभी नगर जो हम लोगों की कार्यपालिका है, विधानपालिका है और न्यायपालिका है, संविधान से ही निर्देश प्राप्त करती हैं और देश का संचालन करती हैं। आज इस गणतंत्र दिवस के शानदार अवसर पर मैं आप सभी लोगों को फिर से बधाई देते हुए हमारे देश की उन्नति के साथ साथ अपने जिले की अररिया की उन्नति के लिए भी कामना करता हूँ। हमारा जिला बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर के पंचायत स्तर तक छोटे छोटे गाँव में हम लोग विकास की रोशनी को पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। विभिन्न योजनाएँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, इन सबको हम लोग मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी के दृष्टिकोण से बहुत सारे नए नए जो हम लोग के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर हम लोग संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हाल ही में जिले में 8 नए डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ आशा का चयन भी किया जा रहा है और जल्द ही ANMs की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जाएगी। तो हमको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे और हम लोग बेहतर सुविधाएँ प्रदान कर सकें। जहाँ तक शिक्षण का क्षेत्र का प्रश्न है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज फॉरबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत, मॉडल डिग्री कॉलेज रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत और पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया प्रखंड के अंतर्गत बनाने का प्रस्ताव है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने को है और 2019-20 के सेशन से वहाँ पर पढ़ाई भी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज भारत सरकार की ओर से बरगामा प्रखंड में भी स्वीकृत किया गया है। शीघ्र ही वहाँ पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो विभिन्न माध्यमिक और हम लोगों के मिडिल स्कूल्स है वहाँ पर भी टीचर्स के नियुक्ति को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। अभी सभी पंचायतों में 12वीं तक का स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव है। 142 पंचायतों में 12वीं तक का स्कूल खोल दिया गया है, बना दिया गया है और शेष पंचायतों में भी शीघ्र ही वहाँ पर 12वीं कक्षा तक का स्कूल बन जाएगा। उनमें टीचर्स का जो हम लोग के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो भी किया जा रहा है। शीघ्र ही सभी विद्यालयों में शिक्षक होंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। नीति आयोग के द्वारा भी आकांक्षी जिलों में अररिया जिला को शामिल किया गया है। ग्रामीण फाउंडेशन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में जिले को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अभी हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब 5-5 माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित करने का नीति आयोग का निर्देश हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया है और 280 ऐसे स्कूल हम लोगों ने महाद्वीप बस्ती में चिन्हित किए हैं जहाँ पर 12 पेंटिंग्स को कराया जाएगा जिससे कि बच्चों का शिक्षण के प्रति रुचि बढ़ सके और बच्चे मन लगा करके पढ़ाई कर सके। प्राथमिक विद्यालयों में हम लोग खास तौर पर इस पर डिमांड कर रहे हैं और शीघ्र इसको चालू कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक आबादी के विकास के लिए भी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चल रहा है। जिले को इस वर्ष लगभग 70 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराए जाने का सरकार के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। जहाँ पर भी विद्यालय भूमिहीन भूमियुक्त विद्यालय भवनहीन है उन
सभी विद्यालयों को बनवाने का काम हमको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत करने को प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही उनको कर दिया जाएगा। सभी ब्लॉक्स में, सभी प्रखंडों में सद्भाव मंडल का निर्माण भी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिसको पूर्व में MSPP योजना कहा जाता था, उसके तहत किया जाने का प्रस्ताव है और बहुत जगह कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। जिले में लगभग 779 छात्र छात्राओं ने अभी तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिया है, 3258 छात्र छात्राओं ने अभी तक स्वयं सहायता भत्ता लिया है और लगभग 5000 से अधिक बच्चों ने कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथियों, दो क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री साथ निश्चय कार्यक्रम के अवयव थे, उसमें जिले को खास उपलब्धि इस वर्ष में हासिल हुई है। सबसे महत्वपूर्ण हर घर बिजली कार्यक्रम के अंतर्गत सभी घरों को बिजली का कनेक्शन जिले में उपलब्ध करा दिया गया। जो कुछ घर का उनका घर शेष है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। सभी घरों को हम लोग राष्ट्रीय त्योहार में नगर परिषद प्रांगण में उपस्थित हम सबों के जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय हिमांशु शर्मा जी, पुलिस कप्तान महोदया धुरत सैली सावला राम जी, उप विकास आयुक्त एनामुल हक साहब, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय प्रशांत कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्ष भाई आफ्ताब अजीम जी, पूर्व विधायक विनोद राय जी, उप मुख्य पार्षद अफसाना प्रवीण जी, DRDA निदेशक शंभु जी, परिवहन पदाधिकारी सबल कुमार जी, बाल परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार जी, उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित हमारे ऊर्जावान पार्षदगण, पार्षद प्रतिनिधिगण, नगर कार्यपालक पदाधिकारी DN सिंह जी एवं उपस्थित हमारे भाइयों, बहनों, माताओं, आज हम सभी यहाँ स्वतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे राष्ट्रीय पर्व हमें याद दिलाते हैं कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश में हम सभी स्वतंत्र और गणतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात हमारे देश को अपना संविधान मिला। हमारे अधिकारों से, हमारे कर्तव्यों से हमें रूबरू कराया गया। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश की स्वतंत्रता में और संघर्षों की बलिदानियों को भी याद दिलाता है। हमारे देश के असंख्य वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र किया। इन देश प्रेमियों के बलिदान और त्याग के कारण ही आज हम सभी स्वतंत्र और गणतंत्र हैं। नगर परिषद अररिया हमारा स्थापना वर्ष से अब तक लगातार अपने सीमित संसाधनों में नगर के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज हमारे नगर में सबके लिए आवास योजना अंतर्गत 7,007 छतविहीन परिवारों को आवास सूचित कराए गए हैं, जिसमें प्रथम फेज में 215, द्वितीय फेज में 1298, तृतीय फेज में 2598 और चतुर्थ फेज में
2496 आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। इन डेढ़ वर्षों में ही मात्र 5094 आवास को स्वीकृति प्रदान कराई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय विहीन परिवारों के लिए 2100 परिवारों को नगर परिषद के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए राशि हस्तांतरित की गई है। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत कुल 18 वार्डों में जलापूर्ति योजना का कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। शेष 2 वार्डों का अभी टेंडर हम लोगों का फाइनल हुआ है और शेष बचे वार्डों में वाटर टैंक के लिए हम लोग जगह को चिन्हित कर रहे हैं। उन वार्डों में भी जलापूर्ति योजना के कार्य को जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी हम लोगों के द्वारा सम्राट अशोक भवन जो कि लगभग 1,03,00,000 रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है, जो रेड क्रॉस के कैंपस में माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को भूखंड इनके द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ। यह पब्लिक यूटिलिटी के लिए इनको बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी आदमी अपने मांगलिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए, गैर राजनीतिक कार्यों के लिए इस जगह को आप लेकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। निराश्रित व्यक्तियों के लिए लगभग 42,00,000 की लागत से अस्पताल परिसर में रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, जिसमें निराश्रित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम राशि पर मात्र 20 रुपये प्रतिदिन पर वह वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। 35 रुपये प्रतिदिन पर भोजन की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा अभी राज्य योजना मद में नाला मद में 9,56,22,900 रुपये की कुल 6 नालों का निर्माण हमारे शहरी क्षेत्र में हो रहा है। सड़क मद में 2,56,00,000 की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री नाली गाली योजना और हमारे आंतरिक संसाधन से कुल 48 टेंडर हम लोगों के द्वारा किए गए हैं, जो अंतिम चरण में एग्रीमेंट प्रोसेस के चरण में है। उसमें लगभग हम लोगों के द्वारा 7,50,00,000 के लागत का सड़क और नालों का जो है हम लोगों के द्वारा निर्माण करवाया जाना है। साथ ही साथ डे एन यूल के माध्यम से SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप लगभग 62 बनाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक हेल्प ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं हैं। लगभग 650 महिलाओं का यह ग्रुप है। 56 चक्र चालित राशि रिवॉल्विंग फंड हम लोगों के द्वारा जो है दिए गए हैं, जो 10,000 रुपया करके दिए जाते हैं। कुल कैश क्रेडिट लिंकेज हम लोगों के द्वारा 8 किए गए हैं। फुटकर विक्रेताओं को पहचान पत्र वितरण करने का कार्य भी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह हम लोगों के द्वारा वार्ड नंबर 5 में सामुदायिक भवन 22,33,000 के राशि से निर्माण करवाया गया है। वार्ड नंबर 4 में कालिकादत्त विवाह भवन 36,88,000 की लागत से निर्माण इसका पूर्ण करवा लिया गया है। नगर परिषद अपने सीमित संसाधनों में लगातार अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहां पर उपस्थित जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों और अपने अतिथियों का मैं फिर पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पे क्या संदेश है सर आपका जो है पूरे अररिया जिला वासियों को, ये बताइए। हमारा संदेश है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से महापुरुषों के योगदान है कि एक बेहतर संविधान मिला, एक स्वतंत्र भारत मिला और अररिया जिला की उन्नति के लिए हम लोगों को काफ़ी अग्रसर रहना चाहिए। हमारे यहाँ भाईचारा बना रहे, हम में सद्भावना बनी रहे
और अररिया जिला एक सुंदर जिला बने, जो वंचित क्षेत्र है वहाँ विकास की रोशनी पहुँचे, इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधिगण प्रयासरत हैं। हमारी जिला परिषद भी उधर काफ़ी उस दिशा में काम कर रही है कि जो अररिया जिला में वंचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में विकास पहुँचाया जाए, भाईचारा बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, एकता बनी रहे और हम सब अररिया को बिहार के मानचित्र में विकास के क्षेत्रों में प्रथम स्थान में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि यहाँ की जनता का आपसी सहयोग रहा, और सहयोग निश्चित रूप से उनका मिलता ही रहता है, इनके सहयोग से अररिया को बिहार में अग्रणी जिलों में विकास के क्षेत्रों में लाने का योजना होगी। दूसरी बात कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अपने महापुरुषों से तभी होगी जब हम सब नेशनल इंटीग्रेशन, सद्भावना और विकास जो है उसके प्रति हम सब सजग रहेंगे, तो ये महापुरुषों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। वासियों को मैं मुबारकबाद देती हूँ, जिस तरह से हमारे देश को आजाद करने के लिए सपूतों ने अपनी जान गंवा दी। हम चाहेंगे कि हम लोग भी इसी तरह देश के हित के लिए अच्छा काम करें और हमारी जो अभी जनरेशन है वो हम लोग एक सच्चे हिंदुस्तानी मिलकर भाईचारा से मिलकर रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग का यही नारा है कि हम लोग ये हिंदुस्तान हम सभी का है और मैं हिंदुस्तान जितने भी हिंदुस्तान को आज़ाद करने में जितने भी वीर सपूत ने अपनी जान दे दी और आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान इसी तरह खिला रहे, मुस्कुराता रहे, हमारे अररिया वासी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। देश की आज़ादी के लिए है और सारे यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं और जितने हमारे जिला पार्षद हैं मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और रहा कि देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीव जान सब लगा। Thank you.
Yeah.
चेकाल टाइल बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मीनू फैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरवेस्ट रोड डोरिया सोनापुर अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स जिसका पता है 8B चौक अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।